अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख ली होगी कि जिस तरह से घटिया कैप्टनसी अगर कहा जाए सरफराज अहमद की तरफ से, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से पूरी इंतहाई घटिया, बिल्कुल यार कोई अल्फाज नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। मुकम्मल टीम इंतहाई फ्लॉप टीम नजर आई इस पूरी सीरीज में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी चेंजेस की गई लेकिन सारी तबाही चेंजेस थी, बिल्कुल घटिया चेंजेस थी, बोकस चेंजेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ घंटी की अलामत को जरूर क्लिक कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जस्ट आप लोगों ने ये बताना है क्या सरफराज अहमद का वक्त आ चुका है कि उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से छुट्टी करा ली जाए, क्या बेहतर वक्त है कि उनसे जान छुड़ा ली जाए और मलिक साहब को कैप्टन मुकर्रर कर दिया जाए। क्योंकि अगर अक्सर लोग मुझे यही कहेंगे कि बाबर आजम को कप्तान बना दे, ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल भाई बना देना चाहिए, लेकिन बाबर आजम की वाइस कैप्टनसी भी आप लोग के सामने है। मतलब ये कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस होती जा रही है थोड़ा सा भी प्रेशर है, लेकिन अभी सैफी भाई पर आया था, थोड़ा सा बाबर आजम पर आया था, लेकिन दोनों ही सह नहीं पाए। घटिया परफॉर्मेंस का नजर है, क्या बाबर आजम की खुद की परफॉर्मेंस इतनी घटिया देखने को मिली इस पूरी सीरीज में, जबकि सरफराज अहमद की जिस तरह से पुअर बैटिंग देखने को मिली, नंबर चार पर उन्होंने बैटिंग की लेकिन इतनी घटिया परफॉर्मेंस का नजर है क्या। अब मेरे ख्याल से वक्त आन पहुंचा है कि मलिक साहब के हवाले कैप्टनसी कर देनी चाहिए, T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बनाया जाए, सरफराज अहमद की भी टीम से छुट्टी कर दी जाए, उनकी जगह पर किसी बेहतर खिलाड़ी को मौका दिया जाए। और मेरे हिसाब से उमर अकमल और अहमद शहजाद को भी अब मौका नहीं मिलने वाला पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जबकि आसिफ अली के साथ भी कुछ ऐसा ही हशर होने वाला है। मैं मलिक साहब का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो CPL में कैप्टनसी कर रखे हैं, तकरीबन 12 मैचेस में वो कैप्टनसी कर चुके हैं और 12 के 12 मैचेस में इतनी जबरदस्त किस्म की खुद की परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली है, खुद की उनकी कैप्टनसी बहुत जबरदस्त किस्म की देखने को मिली है, टीम को जोड़ के रखे और बहुत जबरदस्त किस्म की तगड़ी परफॉर्मेंस उनकी टीम दे रखी है। मतलब ये क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रखी है। मलिक साहब ने मेरे के लिए मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है, तमाम की जो सरफराज अहमद के चाहने वाले हैं या फिर जो चाहते हैं कि सरफराज अहमद को कैप्टनसी देनी चाहिए या फिर बाबर आजम को देनी चाहिए या फिर किसी और को, मेरे ख्याल से यार सीनियर के हाथों में बस मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी परफॉर्मेंस रही है, ये सदियों तक याद रहेगी मेरे ख्याल से। सरफराज अहमद को मेरे के लिए कैप्टनसी से अब हट जाना चाहिए, पीछे हो जाना चाहिए, क्योंकि खुद की उनकी परफॉर्मेंस इतनी घटिया चल रही है, जबकि अहमी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों के वो जानलेवा खिलाड़ी साबित हो रहे हैं, तो उनको प्लीज़ हटा देना चाहिए।